नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके पी यू टी चैनल वर्थ कॉन्फ्रेंस में। तो आज 31 जनवरी है, हम लोग सी मैप में आ चुके हैं। आप जैसे कि जानते हैं हर साल 31 जनवरी को सी मैप का मेला ऑर्गेनाइज होता है, 2 साल के गैप के बाद ठीक तरह से मेला ऑर्गेनाइज हो पा रहा है। 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था ऑर्गेनाइज। तो देखिए बहुत सारी पब्लिक आ चुकी है और ये वो जगह है जहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन होता है किसानों का। 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें किताब मिलती है, कुछ बुक मटेरियल मिलता है और साथ में आप मेंथा के बीज के लिए भी कूपन ले सकते हैं। ये देखिए ये प्लांट्स का डिस्प्ले किया हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके एक प्लांट दिखाता हूँ। ये तुलसी है, मेंथा, ये है सिम क्रांति वैरायटी, ये है कोसी, फिर ये मेंथा मेंटकस शिवालिक वैरायटी, ये आर्टिमिसिया है। आर्टिमिसिया वो प्लांट है जिससे मलेरिया की दवा बनती है। देखिए ये तुलसी है, ये शारदा वैरायटी, मेंथा की नीर काल का वैरायटी है, ये है कोस्ता दाना, इसी में ऊपर वो निकल रहा है अफीम, ये है अजवाइन, अजवाइन ये सब तो हर जगह देखने में मिल जाता है। ये है मंडू पर्णी, ये है नूर जहाँ वैरायटी गुलाब की, सिम महक स्पीयरमेंट है ही मेरा नाम से, ये स्पीयरमेंट अर्का, देख सकते हैं कैसे पत्ते हैं इनके, बहुत ही छोटे पत्ते हैं। ये है जितने भी हमारे किसान भाई दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं उन सबका विशेष रूप से आभार। मैं सीनियर की तरफ से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए, हमारे अन्य अतिथिगण कृषि विभाग के साहिबान आए हैं, मैडम ने जो पीटीआरआई से है, हमारे जो उद्योग के प्रतिनिधि है, उसके साथ साथ जो हमारे कार्यक्रम में लगे हुए अलग अलग कमेटियाँ हैं उनका नाम लेना बहुत लोग कहते हैं ब्राह्मी मंडल बनी एक है, लेकिन आप जैसे की तरफ से आपकी तरफ से आप सबका विशेष रूप से हमारी हो कि आप इसलिए कई लोग इस कार्यक्रम को सफल आए जो करने में लगे हुए हैं। ये हम आगे भी आप यह है मुलेठी का पौधा, ये है रोजमेरी, रोजमेरी ठंडे इलाकों में होती है केवल, स्कॉच मिंट के वाच, ये है जंगली गेंदा, जंगली गेंदा का फूल देखिए किस तरह का होता है, ये है जंगली गेंदा का फूल। का कार्यक्रम अभी होगा, डॉक्टर सुधांश सिंह जी से अनुरोध करूंगा जो आए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। डॉक्टर सुधांश सिंह जी आप सब लोग बैठे रहे, गोष्ठी का कार्यक्रम चलेगा और हमारे जो एक्सपर्ट्स है उसमें पचौली डॉक्टर बिया सिंह जी है, डॉक्टर सुधांश सिंह है, संजय साहब है, बाकी लोग राजेश वर्मा जी है, कबीर साहब है और बी एस त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी आप भी आ जाइए, आप लोग यहाँ पे साल भी आ
ये है रानी साहिबा गुलाब। फिलहाल गुलाब कोई नहीं है, सिर्फ पौधा देखने को मिलेगा। पीली सतावर और भी इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं जिनको मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ वो भी आ जाए, और हमारे जो गोष्ठी के वैज्ञानिक भाई है वो भी आ जाए। राजेश कुमार वर्मा, एके गुप्ता जी, सुनिया सिंह दमन जी, और हमारे प्रियंका सूर्यवंशी, किशोर बाबू, सुनीता सिंह धवन, ये कपूर तुलसी, इसके पत्ते कपूर जैसे महकते हैं। ये पान तुलसी, इसके पत्ते पान जैसे महकते हैं। ये मैंने अपने पास रखी है। ये सिम शिशिर, आप फसल की ओवरऑल केयर जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हैं, तो क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे समक्ष बहुत ही एक्सपर्ट मैडम पधारी हुई है। मैं मैडम से गुजारिश करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को ये फरमा लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ ज्ञानवर्धन करें अपने अनुभवों से और अपने विषय से। 31 जनवरी से 4 जनवरी तक है ये मेला। इस बार 4 दिन का है, आप देख सकते हैं। आप 4 दिन में आज नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में आप आ पाएंगे। आइए मैडम। यहाँ पे खादी ग्रामोद्योग उत्पाद है। हमारा ऑर्गेनिक, हाँ भाई साहब पहले बताइए कौन सी कंपनी है ये? हर्बेरियो बायोलैब कन्नौज की कंपनी है ये। हाँ, जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट को बनाती है। हाँ। ज्यादातर हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जिसमें ऑर्गेनिक हल्दी है, एलोवेरा, ये भी ऑर्गेनिकली कल्टीवेट होता है, एलोवेरा जूस, ये साबुन है जो एलोवेरा बेस्ड है, और ये नीम फेस पैक है, ये फेस वॉश है इसमें भी एलोवेरा बेस्ड है, हैंड वॉश में एलोवेरा और नीम, ये सैनिटाइजर एल्कोहल बेस्ड है, और ये कोल्ड क्रीम एलोवेरा बेस्ड, ये एलोवेरा जेल विद सैफ्रॉन के साथ, ये हेयर ऑयल जिसमें एलोवेरा आंवला भृंगा शिकाकाई, इसमें भी एलोवेरा आंवला शिकाकाई, ये बिस्कस वगैरह पड़ा हुआ है, ये धूप बत्ती है, ये ऑर्गेनिक कल्टीवेट की हुई हल्दी है, और वो परफ्यूम है। कौन सी वैरायटी हल्दी की? हल्दी की वैरायटी नहीं है, वैरायटी नहीं बताया कौन सी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई ये आपकी कंपनी सीमैप से जुड़ी हुई है? हाँ, सीमैप के बेनिफिशियरी हैं। अच्छा, तो ये अगर कोई आदमी ये सब सामान लेना चाहेगा तो किसे कांटेक्ट करेगा? ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर लेगा। ऑनलाइन? अगर कोई आदमी जैसे ऑनलाइन अमेजोन वगैरह में सेल करना चाहता है तो उसके लिए हम देते हैं तो सप्लाई आपको। कोई डिटेल देंगे, फोन नंबर वगैरह देंगे? फोन नंबर है, पैम्पलेट है। तो एलोवेरा नीम प्लस, तो आप उसे बल्क में सप्लाई करेंगे? हाँ, बल्क में सप्लाई करेंगे। तो अच्छा मार्जिन मिल पाएगा, कितना मार्जिन तक दे पाएंगे उसमें? हम अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग है, मतलब 30% से लेके 50% तक का, यानी 30% कम से कम है ही, कम है, यानी हम इसे ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो पता इसमें आपने दिया है अम्बेडकर नगर कन्नौज की आपकी कंपनी है, तो ठीक है भाई साहब। फोन पे किसे कांटेक्ट होगा, किसे बात होगी? कौन है ये? आलोक कुमार सिंह। कौन है? डायरेक्टर है। अच्छा, ओके, थैंक यू। मेन गेट से निकलते हुए हम मेन मेला स्थल की तरह बढ़ रहे हैं। देखिए शुरुआत में ही सोशल आसन इकाई का ट्रैक्टर खड़ा है। ये वो यूनिट है जो कि ट्रैक्टर माउंटेड है और इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं आसवन के लिए। आप टंडन जी, सामने ये गोष्ठी हो रही है, यहाँ पे विभिन्न अलग अलग तरह के वक्ता आते हैं
और अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं। इसमें सीमैप के वरिष्ठ वैज्ञानिक और काफ़ी तरह के व्यापारी वगैरह को बुलाया जाता है, जो इसमें आप लोग को अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। ये देखिए, ये है 30-40 किलो वाला संयंत्र है। इसमें गुलाब जल वगैरह निकाला जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी पिछले मेले का भी शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें तो आप लोगों का फर्ज बनता है, आप ये कमीज खरीदते हैं, आप भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप टी शर्ट खरीदते हैं, ठीक है, नहीं लेते हैं, हमारे ये सिंपल वाली यूनिट है जो आप पीछे देख रहे हैं, वो यूनिट और इस यूनिट में फ़र्क है। ये सिंपल यूनिट है, इसमें कोएबेशन टेक्निक नहीं है, जबकि उसमें कोएबेशन टेक्निक है। गुलाब जल के लिए सबसे सस्ती और सबसे अच्छी यूनिट होगी। आज की डेट में इसका रेट कम से कम 80-85 हज़ार होगा, और वहीं उसका ये रेट पूछना पड़ेगा। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आज की डेट में वाकिफ नहीं हूँ सही रेट से, पीछे से पहले पिछले साल जो रेट थे, अब और आज के रेट में काफ़ी बदलाव हो चुका है। ये देखिए, बेंगलोर का स्टॉल है, इसमें वेटिवर से बने हुए प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ सर, ये बताएंगे इसके बारे में, ये वेटिवर की जड़ है ना सर? दीज प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेटिवर रूट। सो सर, ऑयल हैव बीन एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ दिस और इट इज फ्रेश बिफोर एक्सट्रैक्शन, सो अरोमा इज देयर, सो अरोमा इज फुल फ्लेश्ड अरोमा इज अवेलेबल ना? What about this? This is what kind of oil is this? For cold and cough, sir. Cold and cough. Cold and cough. Yeah, vetiver plus peppermint. Vetiver plus peppermint is your own product. Yeah, own product. Okay. Vetiver roots. Vetiver. नमस्कार मैडम। मैडम बताइए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ये कंपनी कौन? सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं, हर्ब्स यूज़ करते हैं सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए, और हेयर ऑयल बनाने के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करते हैं। तो हम ट्राई करते हैं केमिकल्स यूज़ ना करें, क्योंकि ये डायरेक्टली स्किन पे यूज़ होगा, डायरेक्टली फार्म टू स्टॉल है हमारा। तो मैडम, कोई अमेज़ॉन वगैरह पे सेलिंग के लिए आपको प्रोडक्ट लेना चाहेगा? नहीं है, बट एक महीने में हमारा अप्रूवल नहीं आ जाएगा। आप अपना देंगे, लेकिन कोई चाहता है आपसे बल्क में लेके ऑनलाइन बेचे तो प्रोवाइड कर सकते हैं? तो कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं आप? हाँ, जो आपने ब्रोशर है, सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ नहीं ला पाए हैं, वो पूरे ब्रोशर में आपको मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी आपको सब मिल जाएगा। क्या क्या प्रोडक्ट है मैडम आपके, एक बार बताएंगी? सोप मेजर है, स्क्रब है, हेयर ऑयल, एलोवेरा जेल है, फिर हम ये हेयर ऑयल है मैडम? हाँ जी, ये हेयर ऑयल है, और गुलाब जल है। गुलाब जल है, ये क्या है? ये स्क्रब है, स्क्रब फेस स्क्रब कॉफी का है। ओके, फिर ये वॉलनट का है, ये हिबिस्कस और रोज का है, ये सोप है, पलाश रोज वाटर, ये रोज वाला है, ये 150 सारे हैंडमेड ही, ये सारे भी सोप है। और वो लास्ट वाला काफी अच्छा जाता है, क्या है मैडम ये? लिप बाम। लिप बाम, लिप बाम है, लिप बाम ट्राई करें। तो वैनिला है और स्ट्रॉबेरी। और वो लास्ट में मैडम क्या है? माउथ फ्रेशनर, अच्छा, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है खाने के बाद। ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैडम बताइए अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरु में है हमारा हेडक्वार्टर, बट हमारा एक रिसोर्स सेंटर यहाँ लखनऊ में भी है, चिन्हट देवा रोड पे।
तो हम लोग जो है वो फूड प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, फूड रिसर्च पे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जितने भी ये सैंपल्स हैं, ये सब हमारे इंस्टीट्यूट ने इनकी टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप की हैं, उसके बाद हमने ये कंपनीज को हैंड ओवर किए हैं। इसी तरह हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी प्रोडक्ट्स पे वर्क करता है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का ब्राउचर है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रोडक्ट्स की अलग अलग लिस्ट है। जैसे ये कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हमारे इंस्टीट्यूट ने वर्क किया है, ये हमारे बेवरेजेस में हैं, ये फूड मशीनरीज हैं, ये फूड वेजिटेबल्स हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये यहाँ पे हमारा एक रिसोर्स सेंटर है। मैडम, मेनली ये प्रोडक्ट किस तरह के हैं, मिलेट्स हैं क्या सारे? नहीं सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हर फूड प्रोडक्ट पर वर्क करता है, चाहे वो आपकी ग्रेन्स हो, चाहे बेकरी हो, चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल हो, आपका कोई भी फूड प्रोडक्ट हो हमारा इंस्टीट्यूट पर वर्क। तो मैडम, हम आपसे टेक्नोलॉजी लेके हम सेम इंडस्ट्री लगा सकते हैं प्रोडक्शन के लिए? कुछ जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो ऑलरेडी किसी कंपनी ने परचेज की हुई हैं, तो उनको कॉपीराइट होता है। कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे पास फ्री हैं। तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिपार्टमेंट, ये आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। मैडम, जैसे किनोवा है, जैसे आपका यहाँ मैं देख रहा हूँ चिया लगा है, किनोवा वगैरह, तो किनोवा एक फार्मर ग्रो करता है, लेकिन वो उसको बेचे कहाँ पर? सर देखिए, मार्केटिंग तो फार्मर्स को खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि किनोवा जो है वो एक सुपर फूड है। उसकी में खुद में ही कॉफ़ी सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो मोटे अनाजों में आता है, जैसे कि आपके ज्वार बाजरा होते हैं, और ये पूरा 2023 ऑलरेडी मिलेट ऑफ द ईयर हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि वो हमारा मिलेट ऑफ द ईयर है। तो किनोवा जो है वो आपका जो आप सीरियल्स की रोटियाँ खाते हैं उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को काफ़ी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो जाती है। बट किनोवा जो है उसमें प्रोटीन रिच होता है, वो अगर हम उसको प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो हमें उस काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, और वो एक फाइबर रिच फूड है और प्रोटीन उसमें काफ़ी मात्रा में होता है। तो मैडम, ये आपने यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, यहाँ पर ज़्यादातर किसान आए हैं और वो इसी चीज़ को खेती करना चाहेंगे यहाँ से जाके जानकारी लेने के बाद, तो मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि ये ग्रो ये लेता, क्योंकि ये बिना प्रोसेस के तो कंज्यूम नहीं हो सकता। किसान घर में लेके जैसे आटा को पीस लेता है और खा लेता है, वैसे तो इसका नहीं हो सकता, कुछ प्रोसेसिंग इसकी डिफरेंट है। तो आफ्टरऑल हम इसे बेचेंगे किसे, कुछ भले आप हमें मार्केट ना बताइए, ये तो बता सकते हैं किस तरह के लोग खरीदते हैं, किस तरह की इंडस्ट्रीज हमसे लेती हैं ये? बिल्कुल सर, ये हमारे किनोवा पे पूरा रिसर्च हुआ हुआ है, इसमें हमारे इसके बारे में पूरा हम लोगों ने जो है वो बता रखा है किनोवा के बारे में। ये भी हमारा किनोवा पूरा लिखा हुआ है कि इसकी आप किस तरीके क्या प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट ने जो वर्क किया था, हमने किनोवा के लड्डू बनाए थे, किनोवा का हलवा बनाया था, काफ़ी सारे किनोवा के आपके मल्टीग्रेन कुकीज़ बनाए थे, तो वो जो है काफ़ी हमारा उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था पोस्ट लॉकडाउन, तो मतलब प्री लॉकडाउन उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। ठीक है मैडम, मैं इसको शेयर करूँगा, एड्रेस शेयर कर दूँगा, PDF शेयर कर दूँगा सारे इसमें। ठीक है, थैंक यू मैम।